कितना हंस रही है, हंसी आ रही है, कितना एकदम तांडो कर देना, घमंड में गुरूर में एकदम लोग इतना हो गए हैं कि जो चाहते हैं चाह रहे हैं हम ही करेंगे और करते भी रहेंगे। अभी जो उन्होंने बैन किया है इस पर मैं ये कहूँगा कि उनको जांच करना चाहिए, जांच करें और जांच में गड़बड़ व्यक्ति पाया था उसकी कार्रवाई हुई है होती नहीं। और संगठन विंग जो है हर पार्टी का संगठन विंग है जो काम करता है अपने हिसाब से, इनका भी आप जानते हैं कि इसके चुनाव ये संगठन इनके साथ काम कर रहा था जो चुनाव भी लड़े हैं देश के अंदर, यहाँ भी नेता छोटे सीटों पर चुनाव लड़ा था हाल में भी, और उनके साथ गठबंधन भी रहा है और लोगों पार्टी। लेकिन एक बैन कर देना तो बैन करने का मतलब सिर्फ उनको मैसेज देना है कि किसी को टारगेट बना लिया हूँ, इससे पहले जो राजनीति किया है उसमें उनको फ़ायदा मिला है, उनको कहीं उनको फ़ायदा मिला उस मुताबिक काम कर रहे, अगला भी 24 में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता परेशान है, इनको कोई मतलब नहीं है विकास से, भाईचारा मोहब्बत से, हम लोग कैसे एक जगह रहें। और सच सच पूछिए तो लोग किस धर्म को मानने वाले नहीं हैं, अगर धर्म को मानने वाले हो तो मैं बात को चैलेंज करता हूँ पहले कि आप इतने बता दे भैया कि अगर धर्म को मानने वाले होंगे धार्मिक ग्रंथ जो भी है आप उठाकर देखिएगा, सबने कहा गया कि भाईचारा मोहब्बत बना के चलिए, किसी को ठेस न पहुँचे, उसको आहत न पहुँचे, अगर भाईचारा बिगड़ जाएगा तो कोई भी पूजा पाठ नमाज या काम नहीं करेगा आपका, ईश्वर माफ नहीं करेगा। लेकिन उनसे मतलब है कि जानते कि जिंदगी में ही सब कुछ है, ईश्वर क्या देते हैं जाँच कौन कर, हम तो कर ले रहे हैं जाँच, जाँच आप बताइए ना कि जहाँ सरकारें नहीं हैं हजारों करोड़ रुपया उन्होंने खर्च करके सरकार बदलने का प्रयास किया, बदला भी क्यों, जाँच भी उन्हीं एजेंसी कर रही है, ईडी उन्हीं का हो गया, सारा कुछ अपने हाथ में ले चुके हैं। यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा आपको खुद लोग परेशान करता है, जो मीडिया के चौथे स्तंभ होते हैं उनको लोग परेशान करता है, करने कोशिश करता है, कहीं ना कहीं लोग मजबूर हो जाते हैं आपसे छिपाने। हमें कहने का मतलब है कि देश के अंदर जो उनके साथ है वो एक नंबर का सही है, उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, जो उनके साथ नहीं है वो अपराधी है, असामाजिक तत्व है, देश का विरोधी है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अभी देश देख रहा है। आज जो लोग उन्होंने किया है जब से सरकार लिए हैं, कुछ दिन तो काम उन्होंने बात किया था, उम्मीद सबको थी काम करेंगे, उसके बाद मन पे जाके लुभावने की बातें करना, जिस स्टेट में जाना उस मुताबिक अपने आप को लेकर बना लेना, उस तरह का बात करना, उनको खुश करना। लोग बात आप हाँ नेता पूछेगा, हमारे दो नेता लोग हैं सिंह, हमारे नेता है लोग करे उस बार, मतलब मैं अभी बात बता रहा हूँ कि देखिए हमने बता दिया कोई पार्टी और संगठन हो, छोटी हो बड़ी हो, उसमें गड़बड़ी जो है उसको कार्रवाई करिए, और किसी संगठन को टारगेट उनका टारगेट बनाना है कि आप भी जानते हैं, टारगेट बनाना है किसी को चोट पहुंचाना है, टारगेट बना लिए हैं उससे ये लगता है कि वो फायदा पिछली बार फायदा कहीं हुआ, फायदा होता है ये उन्हें लग रहा है, और कोई बात आगे भी होगा, ये नहीं अभी यही नहीं, हम तो आपके द्वारा पूरे बिहार को हिंदुस्तान को मैसेज देंगे कि बड़े सोच समझ कर चलना है, ये लोग कुछ भी करने को तैयार है भाई। यहाँ पे जानते हैं कि महागठबंधन जो बन चुके बिहार के अंदर, देश के लोग इनकी तरफ नज़र उठाए हुआ है। आपको याद होगा पिछले दिनों हमारे नेता को बुलाया गया था, हर 10 दिन 8 दिन हर स्टेट के लोग इन्वाइट कर रहे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।